ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा यह क्वेरीज आ रहे थे कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हमें कितने ऑप्शनल पेपर का चयन करना होता है। आखिर आप जब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के बारे में अगर जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते हैं। प्रीलिम्स में हमें कोई भी ऐच्छिक विषय, वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल विषय का चयन करना नहीं होता है। मुख्य परीक्षा में हमें एक जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करना होता है, और जो कह सकते हैं इस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं। मतलब हमें एक ही सब्जेक्ट चुनना होता है लेकिन उसके परीक्षा हमें दो देने होते हैं। तो कोई भी अगर कंपटीशन एग्जाम हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो हाई लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें इस प्रकार का कह सकते हैं कि चार पड़ताल किया जाता है कि कोई भी एक विशेष विषय में या फिर कोई भी एक स्पेशल या ऑप्शनल वैकल्पिक विषय में जो कि विद्यार्थियों के द्वारा चुना गया है उसमें उनको कितना डीपली नॉलेज है और वह अपने ऐच्छिक विषय में किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात अपने चुने गए विषयों में उनको कितनी जानकारी है। तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में भी हमें एक ऐच्छिक विषय का चयन करना होता है जिसमें कि हम जो है कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बोटानी, स्टैटिस्टिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस प्रकार के ना जाने कितने अनगिनत जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। आप किसी भी एक एक चीज विषय का चयन कर सकते हैं और उसके दो पेपर एग्जामिनेशन के कंडक्ट कराए जाते हैं और उन दोनों पेपर में आप बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे साहित्यिक विषय होते हैं, लिटरेचर विषय होते हैं, लिटरेचर के भी विषय होते हैं। जो भी साहित्य जिनको पसंद है वह यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में साहित्य एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। तो बहुत सारे साहित्य के सब्जेक्ट्स हैं जैसे उड़िया, मैथिली, गुजराती, मराठी, हिंदी और जिनके भी अपने रीजनल लैंग्वेज है या फिर भारत के जो आठवें शेड्यूल है उन आठवें शेड्यूल में जितने भी कोर्सेस होते हैं, जितने भी कह सकते हैं कि साहित्यिक विषय होते हैं, लिटरेचर के सब्जेक्ट होते हैं, उन लिटरेचर के सब्जेक्ट को आप ऑप्ट करके एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं और दे सकते हैं। तो ये कुछ मैं आपसे चर्चा किया कि आखिर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं और एक जो है हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में उनका सिलेक्ट करना होता है, उनका चयन करना होता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।